सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अपने गठबंधन का ऐलान किया है। इस गठबंधन को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, जहां कई नेता ये कहते देखे गए कि इस गठबंधन का प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का मानना कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने आज ही बयान दिया था कि इस गठबंधन का उनकी पार्टी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री का मानना है कि ऐसे गठबंधनों का अन्य पार्टियों पर असर पड़ता है। जरा सुनिए इस गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं। देखिए, ठीक है, ये तो गठबंधन बनते भी हैं, टूटते भी हैं, और अभी क्या पता कि ये भी कोई फाइनल है या नहीं है। अच्छा, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे, कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई भी पार्टी, दो पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो कुछ ना कुछ तो असर डालते हैं वो, चाहे, क्योंकि मैं इस विचारधारा का हूँ कि जो पार्टियां जिनका राष्ट्रीय स्वरूप है, जो पैन इंडिया पार्टी है, हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को मजबूती मिलनी चाहिए कि अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपने देश में मजबूत करना चाहते हो, तो हमारे को राष्ट्रीय दलों की भूमिका को ज़रूर इम्पॉर्टेंट बनाना, उसकी विश्वसनीयता बढ़ानी, ये एक सबसे बड़ा काम है। वहीं राफेल के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि राफेल मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है और इस मुद्दे पर सफाई देना जरूरी नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बोफोर्स घोटाले को छुपाने के चक्कर में ही राफेल के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब दे दिया गया है। राफेल डील क्लियर है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट राफेल जो हवाई जहाज है उसमें जो होनी चाहिए वो, अब ये कहेंगे जी आपने तो डील तो 635 करोड़ की थी, अब ये 1600 करोड़ का कैसे हो गया, तो ये कोई दलील नहीं है। और फिर ये कहेंगे इसको बताओ, अब आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि अब दिस चैप्टर शुड बी क्लोज्ड, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बताई जाएं, तो इससे साफ है कि जो एक प्रोपेगेंडा होता है। अब मैं तो कई बार मैंने ये कहा था, मैंने कहा ये वो जो बोफोर डील का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि गठबंधन का नुकसान कई पार्टियों को कई बार देखना पड़ा है, फिर चाहे बात भाजपा की ही क्यों ना हो। लेकिन देखना होगा कि प्रदेश की राजनीति में इन राजनीतिक दलों के बनते बिगड़ते रिश्ते क्या इन्हें सत्ता तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। सत्य खबर के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।